नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मदन गुजराती। जैसे कि आपको पता है कि सभी मॉडल्स अभी अच्छी तरह से आने लगे हैं। हुंडई में काफ़ी ज़्यादा आपको मॉडल्स देखने को मिलते हैं, पर उसी के हिसाब से देखा जाए तो सेवन सीटर मॉडल्स में आपको कई कम जो मॉडल है वो देखने को मिलते हैं, और जो है अभी कंडीशन में जो सेवन सीटर मॉडल्स है वो कई ज़्यादा हद तक प्राइस हाइक है उसकी, 10-10.5 लाख के अब हो जाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो वेरिएंट है आप देख सकते हैं, जो ब्लैक वेरिएंट है, आपको पता ही चल गया होगा कि ये बोलेरो महिंद्रा की बोलेरो नियो है, और ये सीधा सीधा कंप्लीट करती है मारुति सुजुकी ईटिका को। ईटिका के बेस वेरिएंट से कंपेयर करने वाली इसको हम तो देखा जाए तो महिंद्रा की ये जो कार है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी है। उस अब इसकी वेटिंग पीरियड भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है, 4 महीने की वेटिंग है, मंथ की वेटिंग है इसमें मिलती है आपको। उस हिसाब से देखा जाए तो आपको एटिका में भी सेम वेटिंग मिल जाती है, पर देखा जाए तो ये मस्कुलर और काफ़ी बोल्ड लगती है और काफ़ी हाइटेड है। इसकी लेंथ की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी लेंथ मिल जाती है, इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि एटिका में 185 mm का मिल जाता है। अब वो 180 चाहिए क्योंकि जो ऑफ रोडिंग के लिए 180 सफिशियंट है। नेक्स्ट इसके टायर साइज की बात तो आपको इसमें 250/16/15 का टायर मिल जाता है, जो कि ट्यूबलेस टायर आता है। इसमें लेंथ की बात करें तो आपको बोले में 3995 mm मिल जाती है, और ईटिका में आपको 4395 mm की मिल जाती है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है क्योंकि ईटिका काफ़ी लंबी गाड़ी है। पर उसके हिसाब से देखा जाए तो थर्ड रो उसकी चाइल्डहुड ही है, क्योंकि अडल्ट प्रॉपर अडल्ट बैठ नहीं सकते उसमें। उस जगह पे देखे तो इसकी भी सेम पोजीशन है, इसमें भी आपको चाइल्डहुड सीट मिल जाती है, जो कमांडिंग पोजीशन आपको मिल जाती है ड्राइविंग की, वो काफ़ी लाजवाब मिलती है। ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ऊंचे लेवल पे बैठे हो, आपको एसयूवी वाली फीलिंग आएगी। और मेन इसका कंपोनेंट है कि इसका इंजन आपको काफ़ी रिलायबल और काफ़ी पावरफुल मिलता है, और टॉर्क की बात करें तो टेंशन नहीं लेने की बात नहीं, ईटिका से कहीं ज़्यादा मिलता है। ईटिका में आपको 103 bhp और 138 mm का वो टॉर्क मिलता है, जो कि बोलेरो नियो से टॉर्क कम है और bhp थोड़ी ज़्यादा है। कंपेयर करें तो बोलेरो से तो आपको 100 bhp मिल जाती है, जो कि ईटिका से 3 bhp कम है। और टॉर्क की बात करें तो ईटिका में काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है आपको, 138 mm का टॉर्क मिलता है। वही अगर इसके बोलेरो नियो की बात करें तो 250 mm का NM का टॉर्क मिल जाता है, जो कि लगभग आपको 112 के करीब आपको ज़्यादा मिल जाता है। ऐसा क्यों है, इतना टॉर्क क्यों आपको मिलता है, बल्कि इसमें आपको मिल जाता है डीजल इंजन, जो कि ईटिका में आपको पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलता है, कि वो आपको 1.5 लीटर का आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आपको CNG मिल जाती है, और ये यहाँ आपको 1.5 लीटर के जो डीजल चार्ज आपको मिल जाती है, मॉडल आपको मिल जाता है डीजल चार्ज इंजन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और माइलेज फ्यूल की बात करें तो आपको ईटिका में और इसमें काफ़ी हद तक सेम ही मिल जाता है। ईटिका में आपको कंपनी क्लेम करती है 17 का माइलेज, और यहाँ पे आपको कंपनी क्लेम कर रही है 18 का माइलेज। अभी MID में मुझे इसमें 17 का माइलेज शो कर रहा है। फिलहाल के लिए ये इंजन की बात हो गई, और इसके करते बिल्ड क्वालिटी की बात। आपको पता है कि ईटिका एक MPV है, उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें जो कि गाड़ी है वो आपको थोड़ी सी कम बिल्ड क्वालिटी में प्रोवाइड होती है। और महिंद्रा की आपको पता ही होगा, महिंद्रा के जो व्हीकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी आपको मारुति सुजुकी ईटिका से काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाती है। नेक्स्ट अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग आपको बेस मॉडल का लगभग आपको 10 लाख या 11 लाख तक बेस मॉडल आपको मिल जाता है, जो कि ईटिका 10.5-10 में मिल जाता है। पर देखा जाए तो आपको डीजल गाड़ी खरीदनी है, अगर आपके घर में 6 ही बंदे हैं, आपको कहाँ पर जाने हो तो 5 बंदे ही निकलते हैं, तो आप ये गाड़ी प्रेफर कर सकते हो। डीजल वेरिएंट है, आपको डीजल वेरिएंट आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहता है, और काफ़ी कमांडिंग पोजीशन, हाइट देख सकते हो आप, काफ़ी हाइटेड है गाड़ी। और उससे देखा जाए तो MPV और ये SUV में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। SUV एक
काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में ड्राइविंग हो जाती है आपकी और काफ़ी आप हाई लेवल पे रहते हो अगर कंपेयर करते हैं इर्टिगा से। इर्टिगा में ऐसा लगता है आप कौन से कार में बैठे हो और यहाँ पे आपको लगता है आप एक कौन से तो भी एसयूवी कार में बैठे हो। देखा जाए तो दोनों में कंपेरिजन बहुत है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और सब्सक्राइब करना ना मुझे, आगे वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलने वाली है।